आपका मेजबान यासिर अंसारी रियासत न्यूज़ चैनल से। आज मैं मुल्क की सूरत हाल के बारे में आगाह करना चाहता हूँ जो मौजूदा सूरत हाल है। जैसा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने की सरबराही में एक बेंच ने फैसला सुनाया कि पंजाब में बलदियाती इलेक्शन 14 मई को होंगे। 14 दिन का मजीद इजाफी टाइम दे दिया जो जय हुआ था। उसके बाद हुआ क्या है कि पीटीएम वाले उनके बिल्कुल जैसे कहते होते हैं किसी के मुँह के 12 बज जाते हैं, उनके मुँह पे 12 बज चुके हैं। ये एक वही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान थे, यही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे जिन्होंने इमरान खान की हुकूमत को जब अदम अतमाद हुआ इसके खिलाफ लो कॉन्फिडेंस अतमाद हुआ इमरान खान के खिलाफ और इनकी हुकूमत आई तो उस वक्त ये मिठाइयाँ बांट रहे थे। अब यही लोग वो दुहाइयाँ कर रहे हैं उसी सुप्रीम कोर्ट पर, और जिसमें दुहाइयाँ ही नहीं सुप्रीम कोर्ट पर हमले पर हमला किए जा रहे हैं। पहले इन्होंने एक हमला किया कि सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि ये इनके खिलाफ फैसला आने की तवक्को थी, इनको पता था कि चीफ जस्टिस साहब दयाल साहब जो है वो फैसला मेरिट पे करेंगे और मेरिट यही बनता था जो कानून यही कहता था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो। तो इनके इन्होंने उससे पहले ही इलेक्शन फैसले से पहले पहले उनको दबाने के लिए इंटरप्रेशन करने के लिए एक बिल पास किया जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अख्तियार को मजबूत कर दिया। उसके बाद अगले दिन देखिए कितनी जल्दी कितनी स्पीड से इन्होंने अगले दिन सेनेट से भी मंजूर करवा के सदर पाकिस्तान के पास भिजवा दिया जो भी सदर साहब के पास पेंडिंग है। उसका मैं आगे चल के बताता हूँ उसको होना क्या है। तो इसके बाद अब जैसे ही फैसला आया, फैसला आने के बाद इन्होंने नई ये चलाकी की, अब नए सिरे से मुलाकातें कर रहे हैं, कभी कभी अक्सरी क़यादत से कर रहे हैं, कभी अपनी पार्लियामेंट से कर रहे हैं, कभी अपनी पार्टी से कर रहे हैं, कभी किसी से कर रहे हैं मुलाकातें। जब कुछ भी नज़र नहीं आया तो फिर इन्होंने अब यह जो फैसला किया है खेला है वो ये है कि इन्होंने उसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। सोचने आवाम देख रही है, आवाम को सब नज़र आ रही है क्या कर रहे हैं, क्या हुआ क्या है, इनको नजर आ रहा है इलेक्शन में इनकी छुट्टी हो गई है, इनकी सियासी मौत वाकई हो चुकी है, जिसकी वजह से अब किसी सूरत में भी इलेक्शन में आना नहीं चाहते। ये चाहते हैं किसी न किसी तरह से इलेक्शन वापस हो जाए। उस करारदाद के जरिए आज उस फैसले को इन्होंने मुस्तरद करके मुतालबा किया है कि लार्जर बेंच बना के दोबारा इसकी नज़रसानी की जाए इस फैसले ऊपर। देखिए इनके मनगढ़ंत बातें और अपने मन पसंद मर्जी के फैसले करवाने के लिए क्या क्या प्लानिंग्स हैं, क्या क्या मंसूबे हैं। तो दूसरी तरफ अभी जो सूरत हाल इनकी पीडीएम के हवाले से है, खासकर नून लीग के जितने अरकान असेंबली साबका थे जो नए उम्मीदवार आए हैं उनको पार्टी ने ये तो कह दिया कि अपनी दरखास्तें जमा करवा दें, कागजात जमा करवा दें, लेकिन उनका कहना है कि अभी तक उनको किसी किस्म की कोई हिदायत नहीं दी गई, कोई पार्टी के हवाले से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई कि आपने वर्क करना है, फील्ड में जाना है, क्या करना है, किसको टिकटें मिलनी है, किसको नहीं मिलनी, क्या होना है। वो बता रहे हैं, वो कहते हैं कि हमें कोई किसी किस्म की कोई हदायत है ही नहीं, हम खामोश हाथों के हाथ रख के बैठे हैं जबकि पीटीआई वाले अपना फर्क कर रहे हैं। और उनको ये सूरत हाल जो है उनका ये भी कहना है उनके जो असम्बली के उम्मीदवार हैं आइंदा असम्बली को सूबाई असम्बली के उम्मीदवार मैदान में आ रहे हैं, उनका ये भी कहना है कि हम किस मुँह से आवाम के सामने जाएँ। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, पेट्रोलियम मसनूआत की वजह से हर आवाम परेशान है, तो इसलिए वो किस मुँह से जाए, आवाम को क्या जवाब दे दी, या तो ये महंगाई को कम करें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी लाएं, आवाम को रिलीफ दें, फिर जाके शायद उनकी कोई बात बन जाए। ये भी उनका ख्याल है, लेकिन मेरे ख्याल में ये उनकी काम ख्याल है। अभी ये आटे की सूरत हाल देख लें, लोगों ने आटे की इन्होंने एक झांसा दिया आवाम को तो मुफ्त आटा देते हैं, मुफ्त आटा दिया, कितनी कैजुअलिटीज हो गई, कितने लोग वगैरह बेचारे आटा लेते अपनी जानों से हाथ धो बैठे। हमारा ये जरी मुल्क होने के बावजूद हमारे लिए डूब कर शर्म से डूब मरने का मकाम है कि हमारे लोग आटे के चक्कर में अपनी जानें गंवा रहे हैं। और दूसरी बात, जो लोग आटा ले रहे हैं सोशल मीडिया वाले साथियों ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों ने जब उनके इंटरव्यूज किए तो क्या पूछा कि आपने वोट किसको देना है, तो उन्होंने कहा कि आटा तो ये हमें जाति वक्ती तौर पर लालच दे रहे हैं और ये बाप के पैसे नहीं हमारे टैक्स के पैसे, वोट हम इमरान खान को देंगे। देखिए ये सारी सूरत हाल खुल के सामने आ रही है। और दूसरी तरफ ये मियां नवाज शरीफ ने जो पिछले दिनों दो चार दिन पहले एक बात धमकी अंदाज में कही है कि अगर फैसला हमारे खिलाफ आता है, सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है इलेक्शन करवाने का, हमारा जो इलेक्शन का एजेंडा है कि आगे ले जाने का, अगर वो नाकाम होता है तो $500 का हो जाएगा नहीं, उनके प्लान है ये कि वो $500 का डॉलर कर देंगे। ये बहुत बड़ा माफिया है, इन्होंने डॉलर जिस तरह भी हो सके डॉलर को ऊपर लेके जाएंगे, मुल्क को मजीद दलदल में फंसा देंगे ताकि वो इलेक्शन ना हो सके। अगर वो भी जाती हैं तो आने वाला जो इकदार में आता है वो पहले दिन से ही वो नाकाम हो जाए।
इनका तो मकसद पर्पज एक ही है कि हमें इकदार मिल जाए। अगर इकदार नहीं मिलता तो फिर जैसे कहते हैं ना कि छोटे बच्चे होते तो वो खेलते खेलते हुए कहते थे ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा, तो फिर वो वही काम ये करने के चक्कर में कहते हैं अगर हम इकदार में नहीं आते तो हम किसी को भी इकदार में नहीं, इस मुल्क को बचे ना बचे कुछ ना बचे, वहां मरती है तो मरे, हमें इकदार चाहिए, इकदार नहीं मिलता तो फिर किसी को भी ना मिले, इनका तो ये मकसद है। दूसरी जान तो उनको मैंने अभी बात की थी कि इनका जो पहले बिल सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ पास किया है उसका क्या बनेगा, वो अब सदर साहब ने अपने पास रखा होगा, जब 15 दिन का आखिरी दिन होगा तो सदर साहब इसको भेज देंगे नजरसानी के लिए, इसकी तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, कि सुप्रीम कोर्ट इसकी तशरीह करे कि इसका हमें क्या करना चाहिए। तो जब सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट के जिसके खिलाफ, मेरे खिलाफ अगर कोई बिल आता है, मेरे खिलाफ कोई फैसला आता है तो मुझ मैं उसमें ये तो नहीं कहूंगा कि इसको कि मेरे खिलाफ है ये ठीक है इसको पास कर दो, जाहिर सी बात है वहां से ये डिसमिस हो जाएगा और इनकी जो तमाम तरह काविशें हैं तमाम तरह इनकी जो प्लानिंग्स हैं इंशाल्लाह वो नाकाम हो जाएंगे। और इनको जो नजर आ रहा है वो यही नजर आ रहा है कि अब इलेक्शन में फंस चुके हैं पंजाब, इनको पंजाब में इनको सीटें नहीं मिलने लगी और ये साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बज़ाहिर तो नजर आ रही है इनके साथ, लेकिन उन्होंने खाना उन्होंने अपनी सरगर्मियाँ तेज कर दी हैं, वो अपने चक्कर में है कि जितने परसेंट भी हिस्सा मिलता है पंजाब में वो अपना हिस्सा लें और ये नाकाम होते तो ये तो जरदारी साहब की पहले दिन से प्लानिंग थी कि इमरान इसको नवाज शरीफ को उन्होंने चुनाव पर बात करना था, उन्होंने तो वो कर चुके हैं। तो अब देखते हैं अगले अगली सूरत हाल क्या बनती है, जैसे कोई नई अपडेट आती है जरूर इंशाल्लाह आप लोगों की खुशवाजार करूँगा। अभी ये हमारे साथ रहिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें जिन लोगों ने नहीं किया, इंशाल्लाह आपको हर रोज़ आए दिन नई से नई वीडियो आप तक पहुँचाएंगे।